नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। खबर यह है कि रवी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगी है। सबसे पहले आपको जी बिजनेस ने यह बताया था कि बुधवार की कैबिनेट की बैठक में रवी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला हो सकता है। इस पर कैबिनेट ने अपना मुहर लगा दिया है और गेहूं की एमएसपी में 105 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। चने की एमएसपी 220 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है और मसूर की एमएसपी में भी यहां पर इजाफा किया गया है। और आपको बता दें कि बारले की एमएसपी में 30 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की गई है। तो ये आप देख पा रहे हैं इस वक्त जी बिजनेस पर यह खबर, और इस खबर का एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ है मार्केट के ऊपर भी। चना वायदा 2% तक उछल के बंद हुआ है 82 रुपए की शानदार तेजी के साथ। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, रवि फसलों की एमएसपी बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। कल ही किसानों का एक बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें किसान एमएसपी बढ़ाने के साथ साथ कुछ और बड़ी मांगे यहां पर कर रहे थे। तो सरकार ने ये कोशिश की है कि किसानों को वाजिब भाव दिलाया जाए। प्रकाश प्रियदर्शी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, और सबसे पहले प्रकाश ने ही आपको ये खबर दी थी कि आज कैबिनेट की बैठक में रवी की एमएसपी बढ़ाने का ऐलान हो सकता है, उस खबर पर मुहर लग गई है। प्रकाश, और क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, और सरकार ने इस खबर पर मुहर लगाई है। कैबिनेट की इस बैठक में रबी फसलों की जो एमएसपी है उसमें बढ़ोतरी का फैसला हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसका फ़ायदा किसानों को होने जा रहा है इस क्रॉप सीजन के लिए। और अहम बात यह है कि जो अगर आप प्रोडक्ट वाइज देखें तो जो गेहूं है उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें करीब 105 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और ये 1840 रुपए पर क्विंटल हो गया है। मसूर के समर्थन मूल्य में करीब 225 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। चने का जो एमएसपी है उसमें 220 रुपए पर क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब ये है कि सीधा फायदा किसानों को होने जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है अब वो ये है कि जिस समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है उस पर ज्यादा से ज्यादा खरीद हो, किसानों को इसका फायदा हो मिले। और ये तब फायदा मिल सकता है जब किसानों की पहुंच जो है वो जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं उन तक हो ताकि इसका फायदा उनको मिले। ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ने जो पहले प्रोक्योरमेंट एजेंसी की नई प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की घोषणा की है उस जल्दी से जल्दी उसको जमीन पर उतारा जाएगा। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी भूमिका बढ़ेगी और ये सुनिश्चित की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिले। अभी देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार ये कह रही है कि जो बढ़े हुए इनपुट कॉस्ट हैं उस इनपुट कॉस्ट पे 1.5 गुना जो उनको फायदा है वो किसानों को मिले और इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। हाँ। लेकिन जाहिर तौर पे इसका फायदा किसानों को होने जा रहा है। ठीक है प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। लेकिन हमारे साथ इस बीच विजय सरदाना जुड़े हैं, आप एग्रीकल्चर मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट हैं। सरदाना जी, जो बढ़ोतरी हुई है एक बार फिर से आपको बता दूं, 105 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की एमएसपी बढ़ाई गई है, 220 रुपए प्रति क्विंटल चने की एमएसपी बढ़ाई गई है। ये जो अभी ताजा अपडेट आ रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। मसूर की एमएसपी भी यहां पर बढ़ाई गई है, सरसों की एमएसपी में 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। क्या ये बढ़ोतरी पर्याप्त है? देखिए, निश्चित रूप से बढ़ोतरी है, लेकिन समस्या ये है कि किसानों को ये बढ़ोतरी मिल पाएगी या नहीं। अभी भी जो पिछले सीजन की जो एमएसपी डिक्लेयर हुई थी वो फसल आना बाकी है और अभी से संशय ये है कि क्या किसानों को एमएसपी मिल पाएगा। अच्छी बात ये है कि बुआई के सीजन से पहले सरकार ने बढ़ोतरी घोषित करी है, किसानों को अब ये समझ रहेगी कि कौन सी फसल लगानी है और कितनी लगानी है। हाँ। तो यहाँ तक तो चीज अच्छी है, लेकिन ये भी सुनिश्चित करना जरूरी होगा जो किसानों की डिमांड रही है कि क्या हमें एमएसपी मिल पाएगी या नहीं। और उसके लिए जब तक भारत सरकार मार्केटिंग रिफॉर्म्स नहीं करती है तब तक किसानों तक एमएसपी पहुंचना मुश्किल है। ठीक है, आप बने रहिए सर हमारे साथ। प्रकाश, जो सवाल आपने खड़े किए हैं इस सवाल का जवाब हम लगातार तलाश रहे हैं और इसलिए मैं प्रकाश के पास जाना चाहूंगा। प्रकाश, एमएसपी तो बढ़ा दी गई है, लेकिन क्या इस बात को लेकर भी कोई चर्चा आज की कैबिनेट की बैठक में हुई है कि किसानों को ये एमएसपी मिले? पहला तो ये, दूसरा ये कि जितनी भी फसलें हैं उसकी खरीद एमएसपी पर हो पाए, क्या ये सुनिश्चित करने के लिए इस बैठक में कोई चर्चा हुई है?
देखिए, इस बात को समझना बिल्कुल जायज है और ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि कैबिनेट की बैठक हो, किसानों के लिए एमएसपी का फैसला हो, रबी क्रॉप की कीमतें पर एमएसपी जो सरकार घोषणा करती है उसमें बढ़ोतरी करे, और इस बात की चर्चा ना हो कि आखिर ये किसानों तक पहुंचेगा कैसे और कैसे ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिले। जाहिर तौर पे इसकी चर्चा हुई है, लेकिन सबसे अहम बात है वो ये है कि जैसा इस बात की भी डिमांड की जा रही है कि जैसे डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो कॉस्ट है उसमें तेजी आ रही है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, किसानों की लागत बढ़ रही है, लिहाजा सरकार को इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी करनी चाहिए, ये मांग है किसानों की। सरकार इस बात को लेकर भी गंभीरता दिखा रही है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जैसा कि हमारे साथ सरदाना साहब जुड़े हुए हैं, वो इस बात को भी कह रहे हैं कि घोषणा करना, कीमतों में बढ़ोतरी करना ये अलग बात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका फायदा हो ये सुनिश्चित करना बिल्कुल अलग बात है। और ये सबसे अहम मसला है। सरकार प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लेकर आई है, लेकिन ये सुनिश्चित कैसे करेगी इतने कम समय में कि इसका फायदा किसानों को हो, इसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज की जरूरत है। प्राइवेट प्लेयर्स की भूमिका को सुनिश्चित करने की बात कही गई है। राज्यों को इस बात के अधिकार दिए गए हैं कि अगर वो चाहें तो अपनी जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त फसल की खरीद कर सकते हैं, लेकिन उसको सुनिश्चित कैसे किया जाएगा ये हम मसला है। दूसरा मसला ये है कि किसान इस बात की भी डिमांड कर रहे हैं कि जो उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, इसमें एक ट्रैक्टर है या फिर उससे जुड़े जो इक्विपमेंट है फार्म सेक्टर से, उस पर जीएसटी को कम किया जाए। जीएसटी को कम करने के लिए सरकार जीएसटी काउंसिल में किस किस तरह के प्रस्ताव लाएगी, ये तमाम ऐसे मसले हैं जो कि गंभीर हैं और जिस पर सरकार को फोकस करना होगा। लिहाजा सबसे जो प्राथमिक मसला है वो ये है कि सरकार अगर एमएसपी बढ़ाने का फैसला कर रही है तो किसानों तक मिले और इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये गंभीर मसला है। बिल्कुल बिल्कुल सरदाना जी, एक सवाल मेरा आपसे और होगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब खरीफ फसलों की एमएसपी का ऐलान किया गया था तो उस समय सरकार ने यह दावा किया था कि जो लागत है किसानों की खेती की उसके मुकाबले 1.5 गुना भाव किसानों को दिया जा रहा है। हालांकि उसके कैलकुलेशन के ऊपर सवाल खड़े हुए थे कि सरकार A2FL का फॉर्मूला लागू कर रही है या C2 का, और दर्शकों के लिए ये दोनों फार्मूला जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि A2 प्लस FL का जो फॉर्मूला है उसमें उसके जो दाम होते हैं, उसमें जो लागत होती है वो C2 के मुकाबले कम होती है। वो इसलिए क्योंकि C2 में जो जमीन का रेंटल वैल्यू है उसको भी ऐड किया जाता है, जो कि A2FL में ऐड नहीं किया जाता है। तो अब आप ये बताएं, चूंकि आप लगातार आंकड़ों पर नजर रखते हैं, आज की जो ये बढ़ोतरी है रबी फसलों की एमएसपी की, क्या ये A2FL के आधार पर है या C2 के आधार पर? देखिए, जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं, जैसे वीट में आपने 1 रुपए का रेट बढ़ाया है, 2 रुपए, अगर 16 रुपए कुछ था, 18 रुपए कुछ हो गया, अगर आप इस पे कैलकुलेशन करते हैं तो निश्चित रूप से ये A2 प्लस FL है, C2 नहीं है, क्योंकि अगर रेंटल वैल्यू देखे तो काफी ज्यादा बैठेगी। अब समस्या यही आती है बार बार कि किसान कहता है कि मेरी पूरी लागत मिलनी चाहिए और सरकार कहती है हम आपको जो डायरेक्ट इनपुट कॉस्ट है वो देंगे, और ये एक विवाद का मुद्दा रहता है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है जिसमें सरकार को सोचना चाहिए कि अगर आज 18 रुपए का गेहूं है और आज की तारीख में अगर देखें तो करीब 16 रुपए के आसपास, 15.5-16 के आसपास किसान को गेहूं का पैसा मिल रहा है, लेकिन कंज्यूमर आटे का दाम आज भी 30-35 रुपए किलो दे रहा है। सरकार को ये स्टडी करना चाहिए कि इतना बड़ा जो गैप आता है वो क्यों आता है। दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट चीज है, तेल की आपने बात करी, सरसों के तेल दाम बढ़े हैं 200 रुपए क्विंटल। देखिए, सरसों का तेल के दाम काफी अच्छे मिल सकते हैं किसानों को अगर इस देश में मिलावट रुक जाए। आपको मैं एक आंकड़ा देता हूं, इस देश में सरसों का तेल करीब 2 से 2.5 मिलियन टन के आसपास पैदा होता है, जबकि उसकी सेल होती है करीब 5 मिलियन टन के आसपास। मतलब कि करीब आधे से ज्यादा सरसों का तेल इस देश में मिलावटी बिकता है। भारत सरकार के जो डिपार्टमेंट है जो मिलावट पे रोकने में विफल हुए हैं, वो किसानों के लिए आज सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि अगर प्योर चीज के दाम अगर कस्टमर देता है और किसान को उसका सही मूल्य मिले तो निश्चित रूप से किसान को एमएसपी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मिलावट रोकनी पड़ेगी और उसके लिए मार्केटिंग रिफॉर्म करने पड़ेंगे, और इन दोनों महत्वपूर्ण बातों पे सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। प्रकाश, एक और महत्वपूर्ण बात कि एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी को लेकर भी ऐसी जानकारी हमें मिल रही है कि इसके ऊपर चर्चा होने वाली है, क्या इसको लेकर कुछ बातचीत या कोई जानकारी आपके पास हो, कब तक इस मुद्दे पर फैसला होना है?
देखिए, अभी तक तो हमें इस बात की कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है कि इस कैबिनेट में एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी को लेकर कोई फैसला हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ज़रूर इस पे काफ़ी समय से चर्चा चल रही है। जो प्रस्ताव है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने तैयार कर लिया है वो कैबिनेट के पास लंबित है, लेकिन अभी तक हमें इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि कैबिनेट ने एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी पे मुहर लगाई है या नहीं लगाई है। लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार इस मसले को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि अगर इस पे मुहर लगती है तो जाहिर तौर पे, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बीच की ये भूमिका है और दोनों को ये सुनिश्चित करना है कि कैसे एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराई जाए किसानों को, ताकि जो उनकी कमोडिटी है वो इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचे और अच्छी कीमत उनको मिले। लिहाजा एक प्रस्ताव तो कैबिनेट के पास लंबित है, लेकिन अभी तक इस बात की कोई ठोस जानकारी नहीं है कि कैबिनेट ने इस पे मुहर लगाई है या नहीं लगाई है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर चर्चा अभी होनी बाकी है, लेकिन सरदाना जी एक और बड़ा सवाल, क्या ये जो एमएसपी अभी बढ़ी है, आपको एक बात आप अपने कैलकुलेशन के हिसाब से बताएं, जो लागत है, ठीक है, ए टू एफ एल को अगर हम छोड़ भी दें, सी टू को छोड़ दें, जो लागत है क्या उस लागत के मुकाबले ये भाव ठीक ठाक है? देखिए, जिस तरह से लेबर कॉस्ट बढ़ी है, आपके पास जितनी बाकी इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, मुझे लगता है ये लागत ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो गरीबी नहीं होती किसानों में। आज गरीबी जो है रूरल इंडिया में, उसका खामियाजा यही है कि किसानों को उसका रेट नहीं मिल रहा है। उसके लिए लंबे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। क्या ये दाम दे के, और जो प्रोडक्टिविटी है आज हमारे देश में, क्या किसान इससे अपने बच्चों की पढ़ाई करवा पाएगा, क्या उनकी जरूरतें पूरी कर पाएगा? हमें ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, क्या इससे आधारभूत परिवर्तन किसान की जिंदगी में आता है या नहीं, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। और किसानों का गुस्सा इसी बात का है कि एक चपरासी की तनख्वाह हमसे कई गुना ज्यादा है, और हम साल भर मेहनत करते हैं, हमें किसान जो चपरासी है उसकी तनख्वाह का आधा भी नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं हमने जो किसान, जिसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, उसको हमने लेबर क्लास बना दिया है। एंटरप्रेन्योरशिप एग्रीकल्चर से खत्म होती जा रही है, और यही चिंता की बात है कि किसान ना तो खेती पे ध्यान दे पा रहा है और उसमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है, और यही खामियाजा एक्सपोर्ट में भी हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जब क्वालिटी नहीं होगी एक्सपोर्ट के लिए तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरदाना जी आपका, और प्रकाश आपका हमसे जुड़ने के लिए। और प्रकाश आपको बधाई, आपने सबसे पहले ये खबर दी जी बिजनेस पर, जिस खबर पर आज कैबिनेट की मुहर लगी है। तो अगर आप जी बिजनेस देख पा रहे हैं लगातार, तो आपके लिए ये खबर काफी महत्वपूर्ण थी, और एक्चुअल फिगर आपको प्रकाश ने बताए थे कि 105 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की एमएसपी बढ़ने वाली है, 220 रुपए प्रति क्विंटल चने की एमएसपी बढ़ने वाली है, और एक्चुअल इसी फिगर पर आज कैबिनेट ने मुहर लगाई है। आगे बढ़ेंगे, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर एक और महत्वपूर्ण खबर पर। एक तरफ सरकार एमएसपी बढ़ा रही है ताकि किसानों को वाजिब भाव मिले। एमएसपी बढ़ाने का मतलब यह है कि सरकार समर्थन मूल्य पर खरीद करेगी, लेकिन अगर सरकार खरीदारी करने के बाद उस फसल को संभाल ना पाए और सरकारी खजाने की बर्बादी हो, तो ये भी कहीं ना कहीं एक पब्लिक का ही नुकसान है। और ये खबर हम आपको बताने जा रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक में, जो कि प्याज की सबसे बड़ी मंडी है, नेफेड के गोदाम में रखी आधी से ज्यादा प्याज यहां पर सड़ा हुआ पाया गया है। ये प्याज नेफेड ने किसानों से खरीदी थी। नेफेड ने अपने गोदामों में तकरीबन 13,000 टन प्याज की खरीद की थी, जिसमें से यहां पर बड़ी मात्रा में प्याज सड़ गया है। नेफेड ने यह प्याज 1100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदा था। नेफेड के गोदाम का जायजा लिया है जी मीडिया संवाददाता योगेश खरे ने। आने वाले दिनों में प्याज की किल्लत ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार के नाफेड ने करीबन 13,000 टन प्याज की खरीद फरोख्त की। नाफेड के जरिए यह सब खरीद फरोख्त पूना, नासिक और नगर जिले में की गई, लेकिन यह प्याज करीबन सड़ने की कगार पर है। आप देख सकते हैं करीबन 50% प्याज जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर सड़ गई है, यानी 7,000 टन प्याज जो है वो यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो गई है। करीबन 1100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से यह प्याज खरीदी की गई, और आज नाफेड के गोदामों में इसका यह हाल बना हुआ है। अगर हम देखें तो पिछले साल भी इसी तरह से प्याज खरीदी की गई थी और वो प्याज भी पूरी तरह से सड़ गई थी, लेकिन ये प्याज करीबन 50% आज के दौर में सड़ी हुई है, उसकी वजह से नाफेड को फिर से नुकसान भुगतना पड़ रहा है।
पिछले सालों में, कई सालों में जो ये देखा गया है कि जब नाफेड ने प्याज खरीदी की तब वो नुकसान में रहे, लेकिन प्याज का गणित आज भी केंद्र सरकार के इस डिपार्टमेंट को समझ नहीं आया, इस वजह से नुकसानी का ये दौर आज भी कायम है। वीडियो जर्नलिस्ट बबन के साथ योगेश खरे, जी मीडिया, नासिक। तो आपने देखा किस तरह से प्याज की बर्बादी हो रही है, और ये भी किसी निजी गोदाम में नहीं बल्कि सरकारी गोदाम में बड़ी मात्रा में यहाँ पर प्याज बर्बाद हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा है जिसका जवाब अभी आना बाकी है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं कि आज आपके लिए कहाँ पर कमाई के मौके बन रहे हैं, और हमारे साथ अब कॉलर जुड़ने शुरू हुए हैं। पहला सवाल है पवन का, चंदोसी से हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। भाई साहब 1652 रुपए की मेहनता मेरी दो बाई पड़ी हुई है। 1652, अच्छा ठीक है, दो लॉट आपने बाई किया है 1652 के भाव पर, ठीक है ठीक है। अनुज क्या करना चाहिए इनको? देखिए हमें लगता है कि इनको मेहनता को होल्ड करना चाहिए। इनिशियली हमें लगता है कि ऊपर में करीबन 1680 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पर आके ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आशीष का, बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष पूछिए। सर मैंने 5100 रुपए दो क्रू शॉर्ट कर रखे हैं। ओके, 5100 के भाव पर आपने दो लॉट शॉर्ट किया है? ओह माय गॉड, जी सर। भाव 5500 के ऊपर है, मतलब आपने किस तरह का ट्रेड किया है और बिना स्टॉप लॉस के इतना बड़ा जोखिम आप ले रहे हैं। 5100 के भाव पर शॉर्ट, मार्केट 5500 के ऊपर आ गया है। बीरेन वकील जी क्या करना चाहिए इनको? काफ़ी लंबा ये स्टॉप लॉस बन जाता है क्योंकि 10% मार्केट ऑलरेडी अगेंस्ट चल रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनको भी यही बोलूँगा कि स्टॉप लॉस स्पेशली क्रूड के मामले में तो कभी भी 4% के ऊपर नहीं होना चाहिए। मेटल्स में भी 2-2.5% से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, फिलहाल तो एग्जिट करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू फाइट, करने का मतलब नहीं है, एग्जिट मतलब लेना बेटर रहेगा। अनुज क्या 5100 के भाव पर जो इन्होंने शॉर्ट किया है, क्या 5100 के भाव पर शॉर्ट बन रहा था? देखिए उस टाइम जो रेट था उसमें जो स्टॉप लॉस था वो करीबन 5200 का बनता था, जो 51, क्योंकि हमने देखा था 5200 से मार्केट 3-4 बार रिवर्स हुआ था। तो अगर उन्होंने 5200 का स्टॉप लॉस लिया, हमने देखा कि 5200 के बाद मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा है, और साथ में अगर हमने देखा कि जो खबर आई है कि जो ईरान का सैंक्शन है वो यहां पर आता हुआ दिखाई दिया है, जो सऊदी अरब की स्टेटमेंट है वो उस टाइम आती हुई दिखाई दी है, तो उस टाइम जो पॉजिटिव सेंटीमेंट थे वो टोटली स्टेटमेंट के ऊपर थे। तो मुझे लगता है कि 5200 का उनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। ठीक है, उस टाइम पे चलिए मेटल की बात करेंगे, और नितिन है बरेली से। नितिन का सवाल जिंक के ऊपर है, पूछे नितिन। सर दो लॉट शॉर्ट किए 185 पे, ये पता करना था कि लेवल कब तक आएगा, और अगर अपसाइड जिंक में देख रहे हैं हम तो कितना और अपसाइड है जहां हम एवरेज कर सकते हैं? 185 पे शॉर्ट, 195 के आसपास का भाव। वीरेन जी क्या हो रहा है ये मार्केट में, आप लोग ठीक से बता नहीं पा रहे हैं करना क्या है, या स्टॉप लॉस लगाना है नहीं लगाना है, लगा नहीं रहे कोई? बेसिकली ये करीबन 15 साल हो गए मैंने मार्केट को देखते देखते, लेकिन अच्छा। अभी भी हर बार मैं यही बोलता रहता हूँ, और हर बार वो गलतियाँ कॉमन रहती है, जगह और नाप बदलते रहते हैं बस। तो नहीं करना क्या चाहिए अब इनको? 185 के लिए मैं ऐसा मानता हूँ, हाँ 197.70 के ऊपर अगर बंद रहता है तो अपसाइड में 205.70 तक जाएगा। अभी भी मैं शॉर्ट साइड प्रिफर इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि रुपी मुझे अभी भी काफ़ी कमजोर लग रहा है। तो अगर LME यहाँ गिर जाए, 3-4% गिर भी जाए, तो भी रुपी की कमजोरी के हिसाब से यहाँ शॉर्ट सेल का फायदा नहीं मिल पाएगा। ठीक है ठीक है। और चूंकि मेटल की बात कर रहे हैं तो मेटल का एक काउंटर आज ऐसा है जहाँ पर एक बड़ी तेजी, जोरदार तेजी आज देखने को मिली है, और वो काउंटर है एल्यूमिनियम। लंबे समय के बाद बाजार ने छलांग लगाई है, और उसके पीछे वजह यह है कि सप्लाई घटने की आशंका बढ़ गई है। और आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी जो एल्यूमिना कंपनी है, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है एल्यूमिनियम के लिए, उसमें उत्पादन घटने की आशंका है, और उसका एक बड़ा इंपैक्ट आज हमने प्राइस के ऊपर देखा है। करीब 5% की शानदार तेजी एल्यूमिनियम में इस वक्त दिख रही है। 160 के महत्वपूर्ण लेवल को मार्केट ने क्रॉस कर लिया है। अनुज अगला लेवल आप क्या देख रहे हैं?
देखिए, आज ही इसने जो कॉन्ट्रैक्ट हाई था वो ब्रीच किया है। मुझे लगता है कि अब जो नेक्स्ट लेवल होगा वेरी शॉर्ट टर्म में 165 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं जो बुलियंस में तेजी है वो भी यहाँ पर एक रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि 165 जो है वो नेक्स्ट लेवल रहेगा। 165 कब तक? देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि अगर हम अभी हफ्ते के मिड में है तो नेक्स्ट वीक के मिड तक ये मतलब नेक्स्ट वेडनेसडे तक आप कह रहे हैं कि 165 का स्तर दिख जाएगा। जी बिल्कुल, तो अभी खरीदना चाहिए। मुझे लगता है कि काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ पर परचेज करना चाहिए और आज के लो का स्टॉप लॉस देना चाहिए। ठीक है, एक और बड़ा सवाल, गोल्ड की कीमतों में आज जोरदार तेजी आई है और एमसीएक्स पर सोने का भाव 5 महीने में सबसे महंगा हो गया है, चांदी का भाव 2.5 महीने में सबसे महंगा है और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह रही है आज वो ये कि रुपया डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हुआ है, रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा है, इसने मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूत किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि इटली में जिस तरह से अनिश्चितता का माहौल गहराया है, ऐसे में सुरक्षित निवेश के तौर पर भी गोल्ड की डिमांड बढ़ी है और इन दोनों खबरों ने आज बाजार को जबरदस्त सपोर्ट दिया है। बीरेन जी, अगला लेवल क्या है आपका गोल्ड और सिल्वर में? इंट्राडे के लिए मैं गोल्ड में शॉर्ट प्रेफर करूंगा, 31,500 के आसपास 31,750 का स्टॉप लॉस रहेगा, 31,150 का टारगेट रहेगा। जो पोजिशनल ट्रेडर है उनको करेक्शन पे बाय करना चाहिए 31,200 के आसपास, उनके लिए 30,900 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट आगे 32,000 का रहेगा। चांदी में? सिल्वर में शॉर्ट साइड जाऊंगा, ये भी इंट्राडे के लिए 39,300 के आसपास 39,700 स्टॉप लॉस रहेगा, 38,600 टारगेट रहेगा। ओके, चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अब तक हमने अपने दोनों जानकारों से पूछा कि अलग अलग कमोडिटी पर इनकी राय क्या है, लेकिन अब ये बताएंगे कि इनकी पसंदीदा कॉल आज के लिए कौन कौन सी है। अनुज, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी रैपिड फायर कॉल सिल्वर रहेगी, हम लगता है सिल्वर बाय करके चल सकते हैं, ऊपर टारगेट करीबन 39,500 तक हो सकता है। विजयन जी, आपकी रैपिड फायर कॉल? 5,490-5,500 के आसपास क्रूड बाय प्रेफर करूंगा, 5,640-5,550 का टारगेट रहेगा, 5,430 का स्टॉप लॉस। आपकी आखिरी कॉल? निकल रहेगी, जहां बाय कर सकते हैं ऊपर टारगेट 9,045 तक हो सकता है। चलिए शुक्रिया आप अनुज आपका और वीरेन वकील जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।